नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सीडी तैलका। और इस वक्त मैं पानीपत के स्मालका थाने के अंदर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मैं किसी आइसर कैंटर जो होता है उसके ऊपर बैठा हूं। तो इसका दिखाने का मेरा मकसद है कि मैं आपको बता दूं कि ये कुछ दिनों पहले रोड पर चलता था। 25-30 लाख रुपए की कीमत इसकी थी जो खरीदा गया था एजेंसी से। 3-4 किस्ती इसकी गई थी, लेकिन हुआ क्या कि कुछ साथी चोरों की, कुछ बदमाशों की नजर, जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, उनकी नजर इस पर पड़ती है। स्मालका के पावटी रोड पर ये खड़ा हुआ था, रातों रात इसको गायब कर दिया जाता है। और महज कुछ घंटे के अंदर ही आपको बता दे कि इस तरह की कंडीशन में ये मिलता है। और पार्ट आप देखिए कि किस तरह से पूरे के पूरे सभी पार्ट्स यहां पर, जी हाँ, सभी पार्टों को चोरी कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो मेरठ के अंदर जो काम चलता था, या फिर मायापुरी के अंदर जो काम चलता था गाड़ियां काटने का, कोई भी अगर जो हरियाणा की बात करे, पंजाब की बात करे, या दिल्ली के लोग थे, किसी को कुछ अगर गाड़ियां उनकी खराब हो जाती थी, नए पार्ट्स महंगे पड़ते थे, तो वो चोरी किए हुए जो पार्ट्स है वहां पर गाड़ियां कटती थी मेरठ के अंदर। और इस तरह की देखिए कि इंजन एकदम नया, एकदम आप देख पा रहे हैं, धूल मिट्टी भी नहीं इसके ऊपर लगी, यानी 4-1 महीने, 3-4 किस्तें गई थी, 4 महीने पुराना ये कैंटर था। तो ये है कि भाई इंसान ये सोचता कि 2 पैसे बचा ले, और उसके लिए वो या तो मायापुरी भागता था दिल्ली, या फिर मेरठ भागता था। तो इस तरह के काम जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो मेरठ के अंदर से जो काम थे वो बंद कर दिए गए, मायापुरी को पूरी की पूरी को खाली करवा दिया गया जो दिल्ली में थी। तो उसके बाद जो इस तरह की प्रवृत्ति के आदमी थे उन लोगों की हरियाणा, क्योंकि दिल्ली और यूपी से सटा हरियाणा राज्य है, तो यहाँ पर हरियाणा में उन लोगों ने पना ली। तो यहाँ देखिए कि उस कैंटर को चोरी किया गया, और जब सीआईए को कुछ इनपुट्स मिली, तो सीआईए की इनपुट्स के आधार पर उन्होंने चौटाला रोड से एक शख्स को गिरफ्तार किया। जी हाँ, उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, और वो बहादुरगढ़ का बताया जाता है कि बहादुरगढ़ का रहने वाला है, और किसी फिर से एक नई गाड़ी को चोरी करने की फिराक में था। जब उससे पूछा गया, बताया कि भाई इस तरह का काम है, किसान का बेटा हूं, और 10-1 लोग उन्होंने मजदूर थे जो मायापुरी में काम करते थे या कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनको रखा। और इसके बाद इस तरह की जो चोरियां हैं वो करना शुरू कर दिया। और ये कैंटर आप देखिए कि जो सामान इस आइसर कैंटर का काटा गया था, जो पार्ट्स काटे गए थे, वो आप यहाँ पर आप देखिए कि ये कैंटर भी इस्तेमाल इस वारदात को, इस चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए किया गया था। और वहां से बहादुरगढ़ पे किसी खाली जगह इस कैंटर को काटा जा रहा था, काटा गया था। और उसके बाद में ये देखिए कि किस तरह से सारे के सारे पार्ट्स आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सभी पार्ट्स काट करके यहां पर CIA 3 की जो टीम है वो उनको बड़ी कामयाबी हासिल की। 5 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उसके बाद में 3 लोगों को, और कल प्रेस नोट जारी किया गया, तो 3 लोगों की यानी कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें कर दी गई है, जो एक पानीपत पुलिस के लिए एक कामयाबी की बात कह सकते हैं। तो सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।